It scares me to love someone so completely and not have them love you back. हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रोमांटिक सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2020 की एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज अनसुटेबल बॉय से। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और ये एक बीबीसी ओरिजिनल सीरीज है। आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। ये सीरीज सेटअप है 1951 में, जहां पर इंडिया को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। और ये सीरीज है लता नाम की एक लड़की के बारे में, जिसके लिए उसकी माँ एक रिश्ता ढूंढ रही है। पर लता को किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। साथ ही हमें मानसिंह नाम के एक लड़के की भी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, जहां पर उसे एक बड़ी उम्र की औरत के साथ प्यार हो जाता है। तो आगे ये सीरीज में क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज एमिली इन पेरिस के बारे में। इसका अब तक एक सीजन आ चुका है और ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये सीरीज है शिकागो की एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमिली कूपर के बारे में, जिसको पेरिस के एक मार्केटिंग फर्म ने हायर किया हुआ रहता है, क्योंकि उन्हें अमेरिकन नजरिया के बारे में जानना होता है। पेरिस तो वो अपने काम के सिलसिले में आती है, पर पेरिस आने के बाद शायद ही कोई अपने आप को प्यार में पड़ने से बचा पाता है। तो आगे उसके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। I have some ideas about marketing Delore that I would like to share with you. Very sexy, no? Sexy or sexist? What is the problem? ये सीरीज को 7.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज लव एंड अनार्की के बारे में। इसका अब तक एक सीजन आ चुका है। ये सीरीज है एक यंग आईटी टेक्नीशियन और एक मैरिड कंसल्टेंट के बारे में, जो एक दूसरे को कुछ ऐसे चैलेंजेस देते हैं जो कि सोसाइटी स्वीकार नहीं करती। शुरुआत में तो ये चैलेंजेस का गेम एक फ्लर्टी मुकाम पर चल रहा होता है, पर आगे जाकर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं जो कि दोनों एक्सपेक्ट नहीं किए होते। तो ऐसा क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है तो आपको आई बटन में टॉप 10 रोमांटिक मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2016 की एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज लिटिल थिंग्स के बारे में। इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं। ये स्टोरी के मेन किरदार हैं ध्रुव और काव्या, जो कि एक रिलेशनशिप में रहते हैं। मैं बोर हो रहा था, सो आई क्विट। क्विट थिंग्स लाइक दैट। ये स्टोरी में हमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप के अप एंड डाउन्स के बारे में बताया गया है कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस उनको अफेक्ट करता है, साथ ही कैसे अपने काम में बिजी हो जाना अपने रिलेशनशिप पर प्रभाव डालता है। ये बहुत ही मजेदार सीरीज है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये सीरीज डेफिनेटली चेकआउट करें। ये सीरीज को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2016 की एक रोमांटिक सीरीज यू मी एंड हर के बारे में। ये सीरीज के अब तक 5 सीजन्स आ चुके हैं। ये सीरीज है जैक और एमा नाम के एक कपल के बारे में, जिनकी सेक्स लाइफ उतनी अच्छी नहीं जा रही होती। अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जैक एक एस्कॉर्ट को हायर करता है। शुरुआत में तो ये सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए होता है, पर आगे जाकर चीजें ऐसे डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण एक बहुत ही रियल और रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है इन तीनों के बीच। I'd have to give up everything I wanted before I met you guys. तो आगे क्या होता है उनके साथ, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको टीन मूवीज पसंद है तो आपको आई बटन में टॉप 10 टीन मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक कोरियन ड्रामा सीरीज इट्स ओके नॉट टू बी ओके के बारे में। ये सीरीज है एक चिल्ड्रंस बुक राइटर के बारे में, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल रहती है। उसकी मुलाकात एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय से होती है, और जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास्ट ओवरलैप करते हैं। वो जो एम्प्लॉय काम करता है उस हॉस्पिटल में, उसकी माँ का मर्डर हो जाता है। बात करते करते उस राइटर को उस एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है। तो आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 8.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज डैश एंड लिली के बारे में। ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है।
ये सीरीज है डैश एंड लिली नाम के दो टीनेजर्स के बारे में। लिली को क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद होती है, पर इस साल उसके फैमिली मेंबर्स उसके घर पर नहीं रहते। इसीलिए उसके कुछ दोस्त और उसका भाई उसको एक आइडिया देता है कि वो एक किताब पर कुछ डेट्स लिखकर एक लाइब्रेरी में छोड़ दे। वो किताब डैश नाम के एक लड़के को मिलती है और वो उन 150 कंप्लीट करने में लग जाता है। तो क्या होता है उनके साथ, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। अगर आप ये सीरीज का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। ये सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक रोमांटिक सीरीज ब्रिजर्टन के बारे में। इसका अब तक एक सीजन आ चुका है और ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... Five? ये सीरीज है ब्रिजर्टन फैमिली के दो सिब्लिंग्स के बारे में जो कि अपनी प्यार की तलाश में निकल जाते हैं। तो आगे उनके साथ क्या होता है आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था क्योंकि ये सीरीज एक टाइम पीरियड पर सेट होकर हमें रोमांटिक नजरिया दिखाने में कामयाब हुई थी। ये सीरीज को 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2009 की एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज द वैम्पायर डायरीज के बारे में। ये सीरीज के टोटल 8 सीजन्स हैं। वैम्पायर्स के तो आपने बहुत सारे सीरीज और मूवीज देखे होंगे, पर द वैम्पायर डायरीज की तरह कोई सीरीज आज तक ना बनी है ना बनेगी। ये स्टोरी है एलिना नाम की एक लड़की के बारे में जो जब हाई स्कूल जाती है वहां पर उसे स्टीफन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। आगे जाकर उसे पता चलता है कि स्टीफन और उसका भाई डेमन दोनों वैम्पायर्स होते हैं। स्टीफन सालवाटोर। आई हैव टू नो हर। यू मस्ट बी एलिना। तो आगे क्या होता है उसके साथ और कैसे वो नए नए चुनौतियों का सामना करती है, आपको ये जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारे अकॉर्डिंग नंबर 1 रोमांटिक सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है वो है यू। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसका 3rd सीजन बहुत जल्द आने वाला है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज और सीरीज में देखा होगा कि कैसे एक लड़की को पाने के लिए एक लड़का कुछ भी हद तक जा सकता है। आप उसी चीजों को 100 गुना मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जो उसी तरह है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। It scares me to love someone so completely and not have them love you back. ये सीरीज में आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जिसके कारण जो के हाथों बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज को 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आप ऐसे ही सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।